दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ना केवल स्कूल बंद किए गए हैं बल्कि सड़कों पर डीजल से चलने वाले भारी वाहनों को भी बंद कर दिया गया है। इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी में ग्राफ 4 लागू होने के बाद एक्शन मोड में पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग के अधिकारी नजर आए, जो कि लगातार नियमों की उल्लंघना करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 9,80,000 का जुर्माना ठोक चुके हैं। हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिसर हरीश कुमार ने बताया कि वायु गुणवत्ता को कंट्रोल में रखने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जिले में 3 टीमें गठित की गई है और नियमों की उल्लंघना करने वालों पर 9,80,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। चल सकती है यदि वो एज पर नॉर्म चलाना चाहे, जो भी फ्यूल अप्रूव्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर अप्रूव्ड फ्यूल भी कोई इंडस्ट्री चलती है उसकी मनाही नहीं है, लेकिन कोई लीगल फ्यूल गैर कानूनी फ्यूल इस्तेमाल करता है उस पर हम तुरंत प्रभाव से इस फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं। आपने सवाल पूछा कंस्ट्रक्शन के बारे में, जैसे ही ग्रैप 3 और 4 लागू हुआ है सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तुरंत प्रभाव से बंद कर दी गई है। जो भी हमारे पास कंप्लेंट आ रही है उसको हम तुरंत प्रभाव से उस कंप्लेंट को रिजोल्व कर रहे हैं। हमारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 3 टीमें हैं जो दिनों रात कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हमने अब तक करीबन 9,80,000 की पेनल्टी भी 4 साइट्स पे लगाई है जो कि गैरकानूनी रूप से चल रही थी, और भविष्य में हम इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। देखिए, उसके लिए नगर पालिका और फायर डिपार्टमेंट को हमने पहले ही पत्र लिख दिए हैं कि वो उसमें पानी छिड़काव करें। आपने देखा भी होगा कि नगर पालिका रेवाड़ी ने 3 टैंकर, नगर पालिका धारवाड़ा ने 5 टैंकर, नगर पालिका बावल ने 2 टैंकर स्पेशल डस्ट सेपरेशन के लिए लगाए हुए हैं। साथ साथ जो फायर डिपार्टमेंट है वो उन्होंने अपने फायर टेंडर्स भी जगह जगह